सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, न दिन में न रात। एक ओर कंक्रीट जंगल है तो दूसरी ओर मीलों फैली हुई बस्ती। ये कहानी है ऐसी ही एक बस्ती में रहने वाले लोगों की। ये बड़ू, मेरे को साला ये जिंदगी समझ में नहीं आती। मतलब देखो ना, कोई चलते चलते चल रहता है, कोई खेलते खेलते खेल लेता है, तो कोई सीखते सीखते सलाह सीख भी लेता है, फिर सलाह कोई जीते जीते जी काय को नहीं लेता है, मर काय को जाता है। ये चिरकोट सारे दिमाग का दही मत बना, चल पी पी। नहीं ये पता ना, ये सलाह क्या लाइफ है, पता ना क्या लाइफ है। ये है अपुन की लाइफ जामियाना, ओनो ओनो। ये है अपुन का स्टाइल जामियाना, ये है अपुन की लाइफ जामियाना, ओनो ओनो। ये है अपुन का स्टाइल जामियाना। बात है कमाल अपुन की जिंदगी के खेल में, वाह क्या बात है। बात है कमाल अपुन की जिंदगी के खेल में, बात है कमाल अपुन की जिंदगी के खेल में, कमाल अपुन की जिंदगी के खेल में। आशिकी के किस्से अपने कितने मशहूर हैं, आशिकी के किस्से अपने बड़े मशहूर हैं। बादशाह मलार में एक तो करेल में, बादशाह मलार में एक तो करेल में, एक पाव रेल में एक पाव जेल में। कौन है बताओ, थोड़ी हार या डॉग्स कौन डॉग्स टिकट से ताला। लफड़ा झगड़ा हो गया तो हो गया, अरे डर गया, घोड़ा रख के झोपड़ी में ठोक दे फिकर गया। लफड़ा झगड़ा हो गया तो हो गया, अरे डर गया, घोड़ा रख के झोपड़ी में शिशु ठोक दे फिकर क्या। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा रे, सजा मिलेगी या प्यारे छूट जाएंगे बेल में, सजा मिलेगी या प्यारे छूट जाएंगे बेल में। बात है कमाल अपुन की जिंदगी के खेल में, बात है कमाल अपुन की जिंदगी के खेल में, बात है कमाल अपुन की जिंदगी के खेल में। एक पाव रेल में, एक पाव जेल में, एक पाव रेल में, एक पाव जेल में, एक पाव रेल में, एक पाव जेल में।
भाई तो अपना बाप है बाप। नमस्कार सलाम है ना आ, है ना आइए आइए क्या क्या चल बैठ नमस्ते भाई इधर क्यों आए कुत्ते चलो उठ इधर से साले बात तो सुनो भाई तो निकल यहां से कुत्ते नहीं तो यही ठोक दूंगा तुझे सुअर भाई भाई गलती हो गई माफ कर देना भाई माफ कर देना हाँ एक साल हुआ एमएलए बनकर और आज तू यहां है अबे डिपॉजिट जब्त हो जाता तेरे कुत्ते अगर हमारा सपोर्ट नहीं होता तो और जीतने के बाद गायब हो गया कॉन्स्टिट्यूंटी में काम होता है ना भाई कॉन्स्टिट्यूंसी काम साले चाली हटाकर दो बिल्डिंग खड़ा किया राधा कृष्णा बार और रेस्टोरेंट भी खोला हिंदी फिल्मों में चवन्नी रोल करने वाली तेरी डाव के लिए फ्लैट लिया लोखंडवाला में अवतार सिंह बिल्डर से एफएसआई का 5 खोका लिया ये तेरा काम है सड़वे अब इलेक्शन में खर्चा भी तो बहुत हुआ ना भाई मेरे 2 खोके का क्या हुआ एक लाए हो ना अभी रख रख नीचे रख फिर गायब हो जाएगा 1 साल के लिए नहीं नहीं 2 हफ्ते में दे दूंगा ना दूसरा कसम से 3रे हफ्ते में तेरी डाव हीना के साथ ठोक दूंगा बिस्तरे में एट लोखंड वाला जरूरत ही नहीं पड़ेगी चल निकल चल भाई एक अब क्या एक काम था भाई अच्छा इसलिए तू इधर आया है आज कुत्ते बक बक क्या है ना भाई वो मिनिस्टर लोग है ना वो और बढ़ा रहे हैं मतलब सीएम एमएलए वो है ना मिनिस्टर बढ़ा रहे हैं वो क्या वो मतलब कैबिनेट का एक्सपेंशन है क्या गधे वही 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 अच्छा अब तू मिनिस्टर बनेगा स्टेट का भी चलेगा तुम्हारा आशीर्वाद हो तो भाई तू कितना सीखा है रे किशन राव 5वीं हैं फेल हूं और तू मिनिस्टर बनेगा तीसरी चौथी वाले भी तो है ना भाई कमाल है ना बॉक्सर सल ऑफिस में चपरासी बनने के लिए भी एसएससी पास लगता है पॉलिटिक्स साली एक ऐसी जगह है जहां क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं लगता क्यों करप्ट होना जरूरी नहीं है क्या तो किशन राव मोरे मिनिस्टर बनेगा गधे हाँ भाई 4 खोके लूंगा शपथ लेने से पहले 3 3.5 3.25 चल निकल निकल ठीक है मेरे बाप 3.5 असलम हाँ दिगंबर पाटिल को फोन लगा साहब फोन है किसका फोन है कोई असलम भाई का है सर अरे मैं किसी असलम असलम से बात नहीं करता बोल दे साहब घर पे नहीं है नहीं वो कह रहे थे कि कोई बॉक्सर भाई के यहाँ से फोन है पहले बोलने को नहीं होता गधे दे इधर असलम बेटे कैसे हो हाँ भाई बात करेंगे हाँ दे नमस्कार पाटिल साहेब अरे भाग खुल गए मेरे कैसा है रोहित बेटे एक्सपेंशन है कैबिनेट का सुना है भाई वो, हाँ वो। चुप कोएलिशन पार्टी की नाराजगी दूर करने के लिए कर रहे हैं अपने किशन राव मोरे को भी एडजस्ट करो अरे मेरे बाप उसका नाम मत लेना साले पे मर्डर केस पेंडिंग है और कितने मिनिस्टरों के केसेस पेंडिंग है मैं बताऊं नहीं नहीं वो सीएम अजीत राव नहीं मानेंगे कहना कि मैंने रिक्वेस्ट की है अगर नहीं माना तो याद दिलाना अजीत राव को कि किसकी बदौलत वो कुर्सी पे बैठा है कठिन है बहुत कठिन है रोहित अरे क्या पाटिल साहेब तुम जैसे पावर ब्रोकर्स के लिए कुछ कठिन नहीं है स्वेयरिंग इनके 2-4 पासेस भेज देना करता हूं कुछ मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दूंगा अगर मुझे किशन मोरे को मिनिस्टर बनाना पड़े शर्म आनी चाहिए पाटिल तुम्हें 1-2 टक्के के गुंडे के दबाव के कारण तो मुझे ये सुझाव दे रहे हो सरकार भी तो चलानी है देसाई साहब नहीं चलानी है ऐसी सरकार जो इन गुंडों की राजनीति का शिकार हो एमएलए मधुकर दीक्षित के हादसे के बाद मैंने चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन अब नहीं मैं आज ही पार्टी प्रेसिडेंट से बात करूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा इतनी मामूली सी बात के लिए आपको इस्तीफा देना पड़े देसाई साहब तो हमारे लिए तो डूब मरने की बात है कृष्ण मोरे पूरी जिंदगी मिनिस्टर नहीं बनेगा
बोलो क्या गेम बजा वो वाले यार कितना खोगा मिले समझा दे समझ गया ना ये गंजे लेकिन पक्या का है टेंशन तो नहीं वो क्या लगा है फोन पे कब ए पक्या ए एक मिनट चल चल खबर मिली है घंचा मत साइड पे पहुंचे 3 महीने से कल्टी दे रहा था ना ठोक दूंगा साले के सर में चल भाई वो आज दोपहर को आइटम है क्या हाँ वो मिली थी ना गए हफ्ते मरेगा साले मरेगा एक दिन छमिया के चक्कर में असलम चल गंजाम साहब बोलो सुकाम आवाज भी नहीं पहचानता साले बॉक्सर भाई अच्छा तो बाद में आ रहा है 100 साल जियो तू सुबह सुबह आपकी बहुत याद आ रही थी 3 महीने से भाग रहा है साले नहीं भाई नहीं जब ये जगह छुड़ा के दी थी तो 3 खोके का वादा किया था अरे हाँ नहीं नहीं हाँ किया था 2 महीने से सब नंबर बदल नहीं नहीं आ वो तो भागने का बहुत चौके ना दिखा दिखा अब तू कैसे भागता है साले ये चाचा जल्दी बैठ कुछ होगा ना भाई को तो छोड़ूंगा नहीं किसी को भी चुप बैठ घोड़ा अंदर रख एक्सक्यूज मी क्या प्रवीण शिवलकर के साथ है क्या है हाँ क्या इधर दादी दादी वो रोहित को इसने वो डॉक्टर होना ही था या आज नहीं तो कल होना ही था नहीं दादी उसे कुछ नहीं होना चाहिए दादी उसे कुछ नहीं होना चाहिए रोहित चुप मरा नहीं है ना वो तो मातम बाद में मनाना डॉक्टर ऑपरेशन करके कोई फायदा है मतलब आई मीन डू यू थिंक ही विल सरवाइव पल्स तो वीक है लेकिन चल तो रही है लेट्स ट्राई फास्ट गेट द नाइफ रोहित रघुनाथ शिवलकर बॉक्सर भाई आज जिंदगी और मौत के बीच है इस शहर के गैंगवार का शिकार कुछ साल पहले ये ऐसे नहीं था मामा मैं ये स्कूल में जाऊंगा हाँ बेटा सो यंग बॉय व्हाट्स योर नेम माय नेम इज रोहित शिवलकर गुड एंड व्हाट्स योर फादर्स नेम My father's name is Raghunath Shivalkar. क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी वो 1.5 महीने पहले ही उनका oh, I'm sorry. वैसे क्या करते थे इनके पिताजी वो
रघुनाथ नामदेव शिवलकर। रघु, इस सफेदपोश शहर में रोहित को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, आ गया म्युनिसिपल स्कूल में, जहां मैं पहली बार उससे मिला। रोहित, तुम हमारे साथ बैठ के खाना मत खाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी गुंडे हैं। मगर मेरे पिताजी तो मर गए। मगर हमारी माँ ने कहा तुमसे बात ना करें। रोहित, अब तू जा। ले रोटी खा। तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में कुछ नहीं कहते। मेरे घर वाले तो है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। अपने हाथों से मैंने रोटी बनाई है, ले खा। उन लंगूरों की बातों पे इतना ध्यान मत दे। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। खा। ये तेरा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन कैसे रे? क्योंकि इसके बाप का तो पढ़ाई के साथ कुछ लेना देना नहीं था, ना तू पढ़ी लिखी, पता नहीं किस पर गया। दादी, आप मुझे पढ़ने दोगी? हाँ हाँ, पढ़ ले पढ़ ले, मालूम है बड़ा बैरिस्टर बनने वाला है। दादी, दादाजी कहाँ गए हैं? गए हैं मंदिर। चार नंबर टेबल पे बॉयल देख देना। हाँ, और यहाँ पे क्वार्टर। हाँ, गुद्दे इधर। अब आराम, एक क्वार्टर लेके आ जा। साहब गाली मत दो। एक क्वार्टर लेके आ, बोला ना, चल जा। पहले के पैसे दो। क्या बोला तू? पैसे क्या बोला तू? क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला? बोल बोल। पहले क्या नाटक चल रहा है बालिया? क्या हुआ? क्या लफड़ा रे साहब? क्या लफड़ा? साहब मैंने पैसे मांगे तो मारने लगा। का शहर है तू? चला पैसे निकल। तू मेरे से पैसे मांग रहा है? तू जानता है क्या मैं कौन हूँ? अबे बुड्ढे, कोई भी हो, चल पैसे निकाल। हाथ मत लगा, हाथ बोल लगा बोल। क्या करेगा तू? चले ठास दूंगा मैं, ठास दूंगा। रघु, रघु का बाप हूँ मैं। कौन रघु? अरे रघु भाई सड़वे। बहुत मारा उन लोगों ने। तुम वहां जाते ही क्यों हो बार बार, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो? हरामीस, जब रघु था तब घर में पीते थे दारू, कुत्ते साले। ऐसे लगता कल की बात, मैं मिल में काम कर रहा। किधर गया था? मुत्ते को गया था। तेरी बीवी की तबीयत कैसी है? आप ठीक है? हाँ हाँ। अरे पवार देख, वो जरा स्पिंडल दे। अरे ए, ए, पांडु, अरे वो टिप भर गया, देख तू ध्यान किधर है तेरा। अरे मास्टर जाने दो उसे। अरे मास्टर मुझे मत मारो। अरे उसे मत मारो, मेरी गलती थी। तेरी गलती थी? हाँ मेरी गलती, तेरी गलती थी। रघुनाथ नामदेव शिवलकर। क्यों? कितने टाके का नुकसान हुआ तेरा? कितने टाके का नुकसान हुआ तेरा? मेरे बाप ने टाई गिरा था उस पे। हाँ, हाँ। कितने नुकसान हुआ बोल? निकल निकल, अरे जल्दी करना। ये और हिसाब चुकता, हिसाब चुकता। मेरे बाप को तूने लातों से मारा था ना? नहीं, मेरे बाप को तूने लातों से मारा था ना? नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। उसका हिसाब? गलती हो गई। झूठ बोलता है साला। किसी ने बोला था इसको कि वो मेरा बाप है, उसका हिसाब कौन देगा? अरे क्या बोलते रे वो सफेद कलर? अरे सफेद नहीं रे, व्हाइट कलर। हां व्हाइट कलर। साला तू ना कभी सुधरेगा नहीं। मेरा हिसाब चुप ना, निकल ना। ए निकल, अरे जल्दी करना रे बुढ़िया। बाप को रे तू बाप को। आज अगर मेरा रघु होता ना तो हड्डियां तोड़ता उनकी।
बहुत मारा शांतनु, बहुत दर्द हो रहा है। न शराब कम हुई न नामदेव की रोज की मार, और एक दिन लिवर ने भी जवाब दे दिया। चलिए उठिए, आपको जो टेस्ट कहे थे उसकी रिपोर्ट लाए हो? हाँ जी। ओह माय गॉड, आप जरा बाहर जाएंगे? क्यों? मुझे आपसे जरा बात करनी है। भरतिया चलिए। संभल के आराम से। खून की उल्टियां फिर हुई थी? जी, कल रात को। ऑपरेशन करना जरूरी है? ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे ना? कुछ कह नहीं सकता। खर्चा कितना आएगा? यही 80-90 हजार। 70 और 1, 70 और 2, 70 और 3, 70 और 4, यानी 7,400। और ये कितने हैं? 14,000। तो कितने हुए? 21,400। 21,400। और तूने कितने लाए हैं? 5। 5 तो 26,400। चाहिए कितने? 80-90 हजार। कहाँ से लाएंगे? हम वो पाव भाजी की गाड़ी बेच दे। खबरदार, गाड़ी बेचने की बात की तो चार घर चलते हैं उस पर, और ऐसे ही बीमार नहीं हुए हैं। दारू पी पी के लीवर खराब हो गई है। एक आदमी की जान बचाओ और 10 आदमी की जान मुश्किल में डालो। जो होगा देखा जाएगा, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे माँ, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। कैसे? विजय भैया से बात करके देखे तो? गई थी विजय भैया से मिलने, गई थी। कह रहा था इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है, वैसे भी कितने साल जिएंगे। खुद के बाप के बारे में मरने दो, अगर नसीब में है तो मरने दो इनको। हेलो, चौधरी साहब हैं? बोल रहा हूँ, आप? मैं सोनू। सोनू? हाँ, वो लक्ष्मी अक्का के अड्डे पे 8 साल पहले वो आप। अरे हाँ सोनू, अरे कहाँ है तू इतने साल बाद? वो मिलना चाहती थी। हालात ने सोनू को फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो निकली थी। एक अच्छा काम करते हैं। हम ऐसा करते हैं, जब अंताक्षरी खेलते हैं। जब नहीं बुड्ढी, सिर्फ अंताक्षरी। जब मेरा बाप नहीं स्पॉन्सर कर रहे हैं। चलो 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 चलो, बुड्ढे लोग उधर जाओ। बुड्ढा तेरा बाप होगा? अरे हाँ, मेरे मैं कहाँ बैठूंगा? मैं इधर। ए धगड़े, मेरे पैर पे पैर मत देना। चलो शुरू करो। चलो चलो चलो। भोपो गाना, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। माय नेम इज तुकाराम घोंसाई। मैं दुनिया में अकेला हूँ। मैं मर गई क्या? ए मैं 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 दो से गाती हूँ चुप।
दिल हूँ करे कब लाओ एक बू नहीं पानी की, पानी की नहीं दारू की। बट अरे नहीं दारू नहीं मिलेगी तुकाराम, नहीं तुमने बहुत दिया इतनी बच्चे बापू, मुझे बापू बोला ना, बस बस करना बापू, अरे बोलिए पीने देना यार। अरे डर गया ना रघु, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पापू तुझे कुछ नहीं हुआ ना? कुछ पापू देख ऐसा नाटक नहीं करना, पड़ गई थी ना मेरी, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, कभी तो मर जाएगा ना। तुझे कुछ नहीं होगा पापू, तुझे कुछ नहीं होगा। और सुनो, बैठो चाय पियोगी? नहीं, आप ही तैयारी कर लीजिए, निकलना भी है। एक दिन और रुक जाते हैं? नहीं, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, और वैसे भी रोहित के इम्तिहान नजदीक हैं। ये समाज के बंधन नहीं होते ना, तो मैं तुझसे शादी कर लेता। मैं नहीं करती। क्यों? ये सच है चौधरी साहब कि आज मेरा घर आपकी बदौलत खड़ा है, मगर सोनू ने दिल सिर्फ एक ही आदमी को दिया, रघु को। मेरे शरीर से चाहे कितनों ने ही खेला हो, मगर मांग में सिंदूर भरने का हक सिर्फ रघु को दिया। माँ, माँ, रो मत, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रोहित की पढ़ाई खत्म हो जाए। अब तक आया कैसे नहीं वो कॉलेज से? आजकल उसके सर पे भूत सवार है ना, क्या कहते हैं, बॉक्सिंग। कॉलेज में अच्छा बॉक्सर था रोहित, इसीलिए तो आगे चल के बॉक्सर भाई नाम बना। In the blue trunks is Amar Rani of CJ College. Fight. In the red trunks is Rohit Shivalkar of St. John's College. The referee is Khan Khali. यार अमर, क्या यार, तुम्हें भी इसी से हारना था क्या यार? इतना अच्छा बॉक्सर है वो, कुत्ता रघु का बेटा है क्या?
हाँ रघु भाई, उसी ने तो तुम्हारे पिता इंस्पेक्टर राणे को मारा था। क्यों नहीं आया अभी तक? अमर। हाँ चाचा। कहाँ है वो? कैंटीन में। चल। अरे क्या बात है साहब? क्या नाम है तेरा? रोहित रघुनाथ छिवलकर। कॉलेज में ड्रग का धंधा करता है। मैं? ड्रग्स का धंधा? तो ये क्या है? क्या? कोकीन है। तो? कॉलेज में कोकीन बेचता है? क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहा हूं? बोल, ड्रग्स कहां से लाते हो? आज तक मैंने सिगरेट भी नहीं पी, क्यों ड्रग्स लेने का झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? क्योंकि तेरे पाप ने जान ली थी इंस्पेक्टर राणे की, जो मेरे डैड थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? कहाँ है? ऊपर है। Stop it, I said. This is disgusting, officer. You. Get out of here! Get out of here! तू ठीक तो है ना बेटा? Hey, खोलो। तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, शर्म आनी चाहिए एक बेकसूर को यहाँ लाकर थर्ड डिग्री देते हुए। जन से जानता हूँ उसे, इसका बाप मुजरिम था, मगर तुम्हारे करतूतों की वजह से कम इसे तो मुजरिम मत बनाओ। I'll see you in the cabin. Yes, sir. सॉरी बेटा। देख आ गया, आजकल साला कोई भी कॉलेज में पढ़ने चले आता है, बाप रघु दोटके या गुंडा, मां साली वैश्या। ए, जबान संभाल कर बात करा। धंधा करती थी तो वैश्या ही कहूंगा ना। धंधा करती थी? करती थी तो चौधरी के फार्म हाउस से क्या कर गया? हाँ चल निकल ले यहाँ से और अपनी माँ को संभाल। चार दिन के लिए जरा मद्रास जा रहा हूँ। अच्छा। बाद में फोन करना, फिर मिलते हैं। जी। चल। वाह, फैक्ट्री में काम करती है बोलकर ये गुल खिला रही है तू? रोहित मतलब तुम्हारा बेटा? ए ना मतले मेरा ना मतले साले सरिता को। ए वेश्या बेटा मत बोल मुझे। रोहित हाथ मत लगा वेश्या साली। आज के बाद मेरी सामने आई ना या मुझे बेटा भी बोला ना तो जान ले लूंगा तेरी। साले धंधे वाली का बेटा नहीं कहला रहे मुझे। तू वेश्या थी, वेश्या है और वेश्या ही रहेगी। ये क्या आज दोपहर से? ये संडे सुनो डार्लिंग, बोला ना। ये क्या कर रहे हो? देख, लड़का होगा। नहीं, लड़की। ये सोनू बोला साला लड़का होगा, बड़ा हो कि ना वो मेरी माँ के सपने पूरे करेगा, डॉक्टर नहीं तो बैरिस्टर बनेगा साला। अगर समाज ने उसे बनने दिया तो? ठोक दूंगा, पांडू ढाल दूंगा जो भी नड़ा। तो रघु भाई का बेटा है। किसका? रघु भाई का। डॉक्टर बनने के बाद पेशेंट भी बंदूक के दम पर ही लाना। ए सुनो मजाक कर रहा था रे। देख, तू ना उसको अपने हिसाब से पालना, तेरी इज्जत करना सीखेगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, समझा? बहुत बड़ा आदमी। Oh.
मुन्ना दिमाग की माँ बहन मत पीने दे शांति से साला पीने दे शांति से माँ ने ओवर टाइम किया है आज इंग्लिश पिएगा दारू पी दारू माँ कमाई ना खर्चा कर खर्चा तेरी माँ की के साथ यहां से ले जाने के लिए सर एक बार फिर वही पुराने मोड़ पर ले आए तुम चल कहां तुम्हारी मां के पास अगर सामने भी आई ना तो चला दूंगा उसको वही करने चल बेशरम कल तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली मेरा बस होता ना तो मैं तो तुम्हें उसे छूने तक नहीं देती लेकिन हमारी संस्कृति में माँ को अग्नि एक बेटा ही देता है बॉक्सर भाई का जन्म शायद उसी दिन हुआ मगर हसन भाई वो रोहित को छुड़ाने में हमारा क्या फायदा है रघु का खून है उस साले में जिगर भी है ये फ्रैक्चर के लौंडों ने आजकल धंधा करना मुश्किल कर दिया है रघु ने फ्रैक्चर गैंग खलास किया फ्रैक्चर के बेटों की कमर तोड़ने के लिए रघु के बेटे का इस्तेमाल करो जितना पैसा बहाना पड़े उसे छुड़ा लो देने के लिए पैसे नहीं है तेरे पास पैसे निकाल निकाल पैसे पैसे छोड़ उसको पैसे चाहिए ना तेरे को
ये ले। तुम क्यों दे रहे हो उसके पैसे? ये ले और ले, ये ले। बस इतना बस है, पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूँ, ये ले। पुराना हिसाब? हाँ, बहुत साल पहले एक बुड्ढा बिना पैसे के पीकर यहाँ से जाता था और रोज तेरी हाथ की मार खाकर घर जाता था, याद आया? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं याद दिलाता हूँ, वो तुझे रोज कहता था कि मैं रघु का बाप, मेरे बाप का बाप था वो साले, याद आया? रुमाले रोहित, वो एवरेस्ट बिल्डर की पार्टी, उधर जाना है। आज नहीं, जाने का है, पूजा है। गौरी से मिलने?
गौरी क्या बात है? वो बाबूजी मेरी शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने 2-3 लड़के भी देखे हैं, चाहते हैं कि मैं भी उन्हें देख लूं। वो जानते हैं कि तुम मुझसे? हाँ। तो मुझे ऐसे ले चलो रोहित, प्लीज। नहीं गौरी, ये ठीक नहीं रहेगा। देखो गौरी, अगर मैं तुम्हारे बाबूजी की जगह पे होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ रोहित। गौरी, तुम्हारे बाबूजी की इजाजत के बिना हम लोग शादी नहीं कर सकते। गौरी, कौन है तू? ये बोला रहा कौन है तू? ए देख, देख बंदूक हटा, बंदूक हटा, काम से आया हूं। मुझे ना ये साफ सुथरे लोगों से घिन आती है। चल कल्टी मार, चल। तेरा ही फायदे की बात है। बीवी भाग गई क्या? एक भाग गई तो गम नहीं, और बात है। फिर मधुकर दिलीप दीक्षित, नाम सुना हुआ लगता है। MLA पार्ला का, और उसके साथ में 10 MLA और। हाफ करनी है या फुल? फुल। वजह? एक्सपेंशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहा है, और बाकी के 10 MLA के लिए 5-5 करोड़। तू रूलिंग पार्टी गए क्या? वर्कर। वर्कर या ब्रोकर? जो हो तू ठीक समझे। फिर 50 खोखा तेरे लिए भारी नहीं है? 100 खोखे दे दूं, प्रॉब्लम ये नहीं है। वो मधुकर की भूख बहुत बड़ी है, आज उंगली मांग रहा है, कल पूरा हाथ मांगेगा। 10 खोखा 5 एडवांस बहुत ज्यादा है। तो फिर कोई दूसरा ढूंढ, चल चल निकल, चल। एडवांस सुबह भिजवा देता हूं। ये तुम्हारा वो मधुकर दीक्षित? हाँ, मधुकर दीक्षित। उसकी कोई नेक आदते हैं क्या? वो क्या नाम है, सरला बहल, लोखंड वाला में रखी है। अपुन ने इतने लोगों को टपकाया है, फर्स्ट टाइम किसी MLA को टपका रहे। क्या फर्क पड़ता है, उसका खून भी तो लाल ही है। मैंने तो सुना है कि पॉलिटिशियन लोग का खून काला होता है। हाँ मुन्ना भाई, MLA आ गया। करम गाड़ी लाऊंगी। मधुकर दीक्षित, राम नाम सत्य। आप आ गए। चलो जल्दी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं, चलो जल्दी। बैठिए तो सही। अरे बैठने का क्या, बैठने के लिए आता हूँ मैं। इधर सेशन चालू है, मुझे जल्दी जाना है। चलो कपड़े उतारो, उतारो। साले को नीचे टपका देते ना, तू भी ना मुन्ना। अरे जो करने आया उसको करने देना आखिरी बार, वरना आत्मा भटकती रहेगी उसकी। एक बात बताऊं तेरे को, सरला बहल आइटम अच्छी है। MLA के मरने के बाद अपना चक्कर चलाएं क्या? तू भी ना पक्के, एक नंबर चमड़ी है। सिगरेट दे। और इस मामले में तू एकदम गाय। चलो चलता हूँ। चाय तो पीकर जाइए। चाय पीने के लिए आता हूँ मैं इधर। है अच्छा, फुर्सत में आता हूँ। चलो अरे ये क्यों नहीं खुल रहा है? बाय। कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा मधुकर दीक्षित? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना कैबिनेट मिनिस्टर। मैं तुमको जो जो चाहू वो। चुपकर, हल्का हो क्या है ना, अब टिकट कटा, चल।
डीसीपी साहब नमस्ते। डीसीपी साहब डीसीपी किशोर कदम को अगर तुमसे मिलना होता तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाता। तुम्हारे बाप का दोस्त तुमसे बात करना चाहता है। एमएलए मधुकर दीक्षित को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने सुना है कि वो लोग अभी तक पकड़े भी नहीं गए। एक तो मेरे सामने खड़ा है ये मुन्ना लावारिस और दूसरा वो चिकना और तीसरा वो गंजा जो तेरी गाड़ी के पास खड़ा है। तो गिरफ्तार कर लो इनको। नहीं कर सकता। क्यों? क्यों ये तुम भी जानते हो। तो हमको क्या इधर समुन्द्र का हवा खाने बुलाया? अगर मेरे पास में होता तो तेरे सिर में दो गोलियां डालकर तुझे इसे समुन्द्र में फिंकवा देता कुत्ते। और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरा खड़ा रहता कि आ मार मार मेरे को मार। सबान संभाल कर बात कर नहीं तो। ए मुन्ना चुप रे चुप। देखो रोहित, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। तो कौन से रास्ते की नहीं है? जैसा बाप वैसा बेटा। दिगंबर पाटिल जैसे पावर ब्रोकर्स किसी के नहीं है। आज तुम्हारे सिर पे उसका हाथ है। जिस दिन ये हाथ हट गया ना कुत्ते की मौत मरोगे तुम। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना तब से कफन साथ लेके घूमता हूं मैं। चाहूं तो दिगंबर पाटिल का गेम एक घंटे में बजा सकता हूं और चाहूं तो सीएम अजीत राव देसाई की कुर्सी एक दिन में हटा सकता हूं। भ्रम है तुम्हारा। अगर सीएम का ऑर्डर मिल गया ना तो 24 घंटे में स्मशान में होंगे तुम सब। सालों बाद एक नेक और सच्चा सीएम मिला है हमें। लेकिन ये दिगंबर पाटिल जैसे कुत्ते उसे सच्चाई से काम करने नहीं देते। मगर अभी तक अड़ा है ना कुर्सी पर अजीत राव। हाँ, क्योंकि जिस दिन उसे मौका मिलेगा ना वो सारी गंदगी यूं साफ कर देगा यूं। और फिर पूरे स्टेट में ढूंढने पर भी तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और तब तक यहाँ के हजारों दिगंबर पाटिल सीएम को कुर्सी पर बैठने देंगे? डीसीपी साहब, टुडे करप्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स डीसीपी, एन ऑनेस्ट मैन इज अ लायबिलिटी, बट वन डे ऑनेस्टी विल ट्रायम्फ। सच्चाई की जीत होगी। भ्रम है तुम्हारा भ्रम। चलता हूं अंकल, कभी जरूरत पड़ी तो याद कर लेना। आजकल पहुंच जरा ऊपर तक है। क्या ब्रेक है? एक साल से फ्रैक्चर गैंग के कुत्ते अपनी दुम दबा कर बैठे हैं, अभी क्या उखाड़ लेंगे? आराम के पिल्ले हैं ये फ्रैक्चर वाले। एमएलए को मारने के बाद वो लोग जानते हैं कि अपनी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आज की तारीख में तेरे को ठोक दिया ना तो उन लोग सरस मांडवली करते ना उनसे, साथ मिलकर राज करेंगे। क्यों बॉक्सर? क्या वो अंगूर के बालों को पास में बिठाएंगे? हसन भाई ठीक बोलते हैं, पुंगी बजा रहा हूं सालों की। अपनी नाद में नहीं लगे ना वो, फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। क्यों हसन भाई? हाँ ठीक है। ये गई तेरी क्वीन। दगलू मामा, रोहित। नमस्ते चाचा। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे फोटो खींचो यार। बेटो माय प्लीज स्टडी। दादी, नमस्कार बॉक्सर भाई।
रोहित माँ बाप करेगा। कल तक ठीक था, उसे सिर्फ कुत्ते हसन का आसरा था। माँ का मिलते बॉक्सर को ठोक डालता मैं, अब कठिन है। लेकिन क्यों भाई? अरे पॉलिटिकल स्पोर्ट है ना पांडू को। मतलब साले यहाँ बैठकर कुर्सियां गरम करो बदो। ऐसे नहीं मारा वो दीक्षित को। 10 खोखे की सुपारी ली थी, 10 खोखे की। हफ्ते भर में गेम बजाएंगे साले का। हाँ, गेम बजाएंगे। वो आके बोलेगा तेरे को, आ गया मैं ठोक मेरे को, सठे आ गया तू बेवकूफ। उसके डाव जैसी दिखने वाली एक आइटम नाचती है डायना बार में, हफ्ते में एक दो बार आता है वो उधर। अच्छा, इधर फोन करके बोलने वाला वो कि आज मैं जा रहा हूं उधर। डायना बार का मालिक है ना सुरेश अन्ना, वो अपने को खबर देगा। 50 पेटी का वादा किया मैंने। एक खोखा जाएगा तो भी कम नहीं, मगर वो बॉक्सर जिंदा नहीं रहना चाहिए। डायना बार। Oh,
दांत मत दिखा साले, नहीं तो ये ठोक दूंगा तुझे। किसने बोला शांतपति करके बीच में आने के लिए? मर जाता तो? अरे मरा तो नहीं ना? अरे तो मैं भी नहीं मरता ना, हीरो बनता साला। ए ए मेरे बाप अस्पताल है। अरे छोड़ना यार। अरे छोड़ना क्या, पिछले 6 घंटे से पुतला बनकर बैठा है, 2-4 मूत कर भी गए इधर। क्या बोलता है, मतलब 6 घंटे के लिए बंबई के सारे डाव लोग सेफ? ए शाणे चुप बैठना, अभी अभी ऑपरेशन से निकले साले। अरे छोड़ना यार, कुछ नहीं होता मेरे को, इतने पाप कर चुके हैं हम लोग, इतनी आसानी से मौत थोड़ी आएगी। ये सोचो अब करना क्या है। हसन भाई, जब तक फ्रैक्चर नागी और नारिया जिंदा है ना, वो लोग फिर से गेम करेंगे। कुत्ती जात है उनकी, पहले बोला था मैं, ठोक 2 सालों को। बॉक्सर आवाज देना, 24 घंटे में दोनों का गेम बजा देगा अपुन। इसे तो घोड़े की जरूरत भी नहीं होगी। और नहीं तो क्या, तो ऐसे जा उनको मिलने को, तेरे बदबू से मर जाए। अरे क्या कर रहा है? अरे मुन्ना कितना पिएगा रे, अभी अभी अस्पताल से आया। अरे मेरे को डॉक्टर ने बोला है जितना दारू पिएगा उतनी जल्दी मेरा जख्म भर जाएगा। लो सुनो। अरे दिल का जख्म काई को नहीं भरता यार, ये बेवड़ा अभी क्या। अरे हसन भाई, ए उठ 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 उठ। सलाम भाई। उठ सलाम भाई। सालो पूरी दुनिया की दारू एक ही रात में पी जाओगे क्या? अरे हसन भाई, आज तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन था ना, यहाँ वापस क्यों आए? ये बताने के लिए कि आज की रात दारू कम पियो। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि कल सुबह 9 बजे फ्रैक्चर गैंग अलीबाग जा रही है गेटवे ऑफ इंडिया से। We'll be right back.
ये मिलता कि नहीं मिलता उसे? आइए। क्यों रे बेवड़े, किसको लेके आया? ये देख सुबह सुबह पी के आया। देख भाई कोई मिलने को आया। अरे चाचा आओ ना। बेहट कैसे हो रोहित बेटे? आओ बैठो। चलो कितना? ए सड़ेले एक ठंडा लेके आ जा। हाँ, क्या हुआ चाचा? वो काम था। बोलो ना चाचा। वो गौरी की माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। वो इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए चाचा? यही 15-20 हजार। थोड़े मिलेंगे तो भी चलेगा, बार बार मांगने को शर्म आती है। अरे ठीक है ना चाचा। ए पकिया माल कितना है? आना। देना। ये लो चाचा, और किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना हो तो बताना। नहीं नहीं, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। अरे ये क्या कर रहे हो चाचा? चलता हूँ। हाँ चाचा। ए पकिया किसी आदमी को भेजिए डॉक्टर के पास, कहीं ऑपरेशन करना हो तो। हट्टी कट्टी बीवी है उसकी। ए तू क्या बोलता है चाचा, झूठ बोलता है क्या? पिछली बार जब पैसे लेके गए थे ना तो फील्डिंग लगाई थी मैंने, उसकी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक। कहीं लोचे में तो नहीं है ना? ले जवाई के चुंगल में। क्या मतलब? बेवड़ा चौड़िया कुत्ता जवाई उसका, पैसे के लिए गौरी को रोज पीटता। क्या तो फिर? नैतिका है गौरी। क्यों सहती हो ये सब? क्या करूं, पति है मेरे। छोड़ दो उसे, पढ़ी लिखी होगा, मिडिल क्लास भी हूं, माँ बाबूजी की क्या इज्जत रहेगी? और गौतम को पैसे देने के लिए दर बदर की ठोकरे खाते हैं तब इज्जत रहती है? तब अपने नसीब को कोसते हैं, कहते हैं हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। गौरी खुश हो? ये सोचना छोड़ दिया। शादी के बारे में मैंने भी सोचना छोड़ दिया। ये लो। ये क्या? गौतम से कहना उसे जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम बारात नहीं उठाए कभी भी। रोहित ये पैसे ले जाओ, अय्याशी में पैसे उड़ाकर जब वो रात को आता है शराब पीकर होश का रहता है। जाओ तुम रोहित प्लीज, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। पकिया ए बंद करना है टेप को, कब से गिर 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 गिर। चल बस करना रोहित। ए मुन्ना ए आज पीने दो मेरे को, समझा? दिमाग की तो हट गई है सर। क्या हो गया? नहीं देखा इतने दिन? नहीं देखा था ना उसको इतने दिन, सारा झक मर रहे हो गया था मैं उधर से। वो सुझे लाख के नीचे कला
साला मेरी तो सुलग गई थी उसको देख के। सोचा साला भूल जाऊंगा उसको, लेकिन अब भी प्यार करता हूं उसको। साले गौतम की तुम मां की बोल खिला दिया मेरे पीछे। यादव पहुंच गया, बोल तूने क्या किया उसके साथ, बोल क्या किया। गौतम चला मनी चाहिए, सवाल करते हुए मनी चाहिए, मुझे शर्मानी चाहिए साले, मुझे शर्मानी चाहिए। क्या कर लेगी तेरा शिकार का बच्चा तुझे, चल 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 तेरा शिकार, चल चल तेरा शिकार, चल देखता हूँ क्या बिगाड़ कर, चल चल। माफ कर दे रोहित, मुझसे गलती हो गई। क्या बात कर रहे हो चाचा? सच कह रहा हूं, जानता था मैं कि गौरी तुमसे प्यार करती थी और तुम गौरी से, मगर समाज में अपनी इज्जत रखने के लिए मैंने चुना एक शरीफ इज्जतदार नौकरी वाला जमाई। आज देख रहा हूं उसकी सभ्यता, इतना स्वार्थी बन गया मैं कि ये भी भूल गया कि आज जो भी हूं सिर्फ तुम्हारी बाप की वजह से हूं। मुझे माफ कर दे रोहित, माफ कर दे मुझे। चाचा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? काम कहां करता है तुम्हारा जा भाई? गौतम नायक आप बोलो। गोरी पर मैं तेरी जान नहीं लूंगा, समझा? बीवी हो मेरी, थी बीवी थी तेरी, समझा? गणपति गंगा वामहे यणंतो प्रियपति गंगा वामहे। अब आप लोग खड़े हो जाइए, दोनों एक दूसरे को हार पहनाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब मंगलसूत्र पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणु ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अब सिंदूर लगाइए। Oh, 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 oh,
कितने महीने हुए रे? तीसरा चल रहा है। आप मुंह मीठा कीजिए ना। लीजिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे लड़की हो। हाँ, और फिर उसे इन सबसे दूर रखूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। जो भी हो गौरी, लड़का हो या लड़की, नाम मैं रखूंगा। चुप कर, बेशरम, नाम रखेगा? अरे इतनी अकल है ना भीजे में, तो जाकर समझा उसे, उस रोहित को, कि ये सब काम छोड़ के कोई अच्छा सा ढंग का काम करे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो बात, जाओ। तुम्हारे पैर कहाँ हैं पाटिल साहब, तुम्हारे पैर कहाँ हैं? क्यों नरक में ढकेलना चाहते हो? काम धंधा ठीक चल रहा है ना अपना, क्यों कोऑपरेटर बनाकर मरवाना चाहते हो मेरे बाप? तेरे भले के लिए कह रहा हूँ रोहित, देखा आज नहीं तो कल तुझे इस धंधे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेरी बात मान ले, खादी पहनने से अच्छे अच्छों के पाप धुल गए यहाँ। किसके पाप धुलवा रहे हो पाटिल साहब? मेरा यार, कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ो। इससे तो अच्छा है तू गले में पत्थर बांध के समुंदर में डूब जा। सिगरेट पिलाना। अरे तू समझ नहीं रहा है रोहित, देख अगर तू इलेक्शन में खड़ा हो गया तो दो चार पार्टी तो डर के मारे अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करेंगे, जो रह गए वो प्रचार करने के लिए बाहर निकलेंगे नहीं। अरे ऐसे आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा तू? बॉक्सर, आप उनको लगता है पाटिल साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। घंटा ठीक बोल रहे हैं। पाटिल साहब, क्यों इस झमेले में फंसा रहे हो आप? झमेला? अरे जिंदगी बन जाएगी तेरी, आज कॉर्पोरेटर, कल एमएलए, और फिर 5-6 साल में भगवान ने चाहा तो मिनिस्टर। जितना पैसा अभी कमाता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा कमाएगा, और वो भी कुर्सी पे बैठ के, और ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोहित ने इलेक्शन लड़ने के लिए हाँ कर दी, फिर उसी में उलझा रहा। ये टाइम है तेरा आने का? 4 घंटे हो गए। भड़की है क्या? जान लेगी तेरी अभी। तो क्या? चल अभी। अरे ये इलेक्शन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं था यार। मैं पहले ही बोला था, बोला था यार। बच्ची कैसी है यार? नसीब वाला है तो चल। आ गया रे तेरा दामाद। अरे मुझे तो लगा था बच्ची के जन्मदिन पर ही पहुंच जाएगा। आओ बेटा, आओ। सॉरी। अपनी बच्ची से जाके कहो। जन्नत फिर ए गौरी, इसका नाम मैं ही रखूंगा, मैंने पहले ही बोला था, याद है ना? छमिया, सामान, दाव या आइटम, ऐसा कुछ रखना नहीं है। क्या है दादी, तुम भी अभी इसको देख के जो महसूस हुआ है वही उसका नाम है ना, शांति। क्यों? चलो अच्छा है, इसकी वजह से तो तुम लोगों की जिंदगी में आएगी शांति। वली में बेटिंग का दा, खांदी वली में डालवा, पुलिस चौकी में आना जाना, बदनाम है उसका घरवार। बोरीवली में बेटिंग का अड्डा, कांदीवली में डांस बार, पुलिस चौकी में आना जाना, बदनाम है जिसका घरवार।
कांदिवली में बैटिंग का अड्डा, कांदिवली में डालना, गोली चौकी में आना जाना, बदनाम है जिसका गरबा। कौन है कौन है कौन है वो यार? बॉक्सर भाई तुम्हारा बॉक्सर भाई क्या मजा, बॉक्सर भाई तुम्हारा बॉक्सर भाई, बॉक्सर भाई तुम्हारा बॉक्सर भाई, बॉक्सर भाई तुम्हारा बॉक्सर भाई। कांदिवली में बैटिंग का अड्डा, कांदिवली में डांस बार, अब चौकी में आना जाना, बदनाम है जिसका गरबा। पैसा दूंगा ना। ए, पैर पर खड़ा रहे पहले, मुंह से बदबू आ रही है, किसी से भी पैसा नहीं लेते हम। कुत्ता कुत्ता बोली तो अब दिखा तो कुत्ता क्या करता है। रोहित जाने देना। क्या बोलो तू सर? वैश्या बोला। वैश्या मत बोल, मेरी माँ भी एक थी, मेरी माँ भी एक थी।
बस कर रहे, बस कर, बस। वैश्य मत बोल, वैश्य मत बोल। बॉक्सर को कॉरपोरेटर बने हुए एक साल हुआ था और एक दिन अचानक हमें हसन भाई को देखने जाना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी थी। मेरा पांव दबा, मैं कह रहा हूँ पांव दबा। अरे मेरा पांव दबा, नहीं तो जान से मार दूँगा मैं तेरे को। अरे अगर पांव नहीं दबा, अरे मुझे जान से मार दे, मुझे जान से मार दे। ऐसा मत कहो। रोहित तू आ गया, टूटी है हड्डी रोहित, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करना, कुछ कर। सोचा था ऊपर जाकर खुदा को क्या जवाब दूंगा अपने गुनाहों का, लेकिन खुदा ने इधर ही मुझे सजा दे दी। रोहित, रोहित, मुझसे देखा नहीं जाता। डॉक्टर क्या कहते भाभी? कैंसर तो हड्डियों में पूरी तरह फैल चुका है, दर्द सहा नहीं जाता रे इनसे। कोई अच्छे डॉक्टर को? सभी को दिखाया, इलाज इलाज तो सिर्फ एक ही, मौत। बेटा मेरे सामने तो रोज थोड़ा थोड़ा मरते, मुझे देखा नहीं जाता, मुझे देखा नहीं जाता। तू कुछ कर बेटा, तू कुछ कर, तू कुछ कर ना बेटा, तू कुछ कर, तू कुछ कर। हाँ भाभी, तुम अंदर जाओ भाभी, मैं देखता हूँ। मगर वो मैं हूँ ना भाभी, जाओ। मेरे को छोड़कर कभी मत जाना, तेरी बहुत पहुंच है ना, मेरे लिए कुछ करना। हेलो। हेलो गौरी। हाँ आप कौन? क्या आप कर रही है? मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति देशमुख? हाँ ज्योति देशमुख। अरे ज्योति, इतने दिनों के बाद कहाँ है तू? अरे शादी के बाद 2 साल नासिक में थी मैं, अभी अभी ट्रांसफर हुई है मेरे पति की मुंबई में। तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारा नंबर लिया मैंने। अच्छा अच्छा। गौरी तुम्हारे पहले शादी के बारे में सुना और। ज्योति प्लीज, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। अच्छा वो सब छोड़, मुझे तेरा एड्रेस दे, दोपहर में मेरे पति के साथ तेरे घर पे खाना खाने आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। सचमुच गौरी, नासिक के धूप में मैं इतनी काली हो गई थी कि दिन में भी लाइट लगाना पड़ता था मुझे देखने के लिए। अगर इनकी ट्रांसफर नहीं हुई होती ना तो कोयले में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहता। क्या काम करते हैं आप? जी मैं PSI हूँ। ओह डोंट वरी, यहाँ सिर्फ दोस्त की हैसियत से हूँ मैं। आई एम नॉट वरीड, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, कहीं मेरे साथ खाना खाने की वजह से तुम नौकरी से हाथ नहीं धोओगे। क्यों भाई, एरिया के कारपोरेटर से जान पहचान बढ़ाना क्या कोई जुर्म है? बॉक्सर वो पांड्या का, ठीक है मैं बाद में। ठीक है ठीक है बोल। वो पांड्या का आदमी कल पार्सल लेके दुबई से आ रहा है, बोला किसी को मरोल गांव भेजते। पांड्या खुद नहीं आ सकता था सड़वा, बोल रहा था पांडू लोग का बहुत मचमच है वहां पे। ठीक है ठीक है, कल पांड्या और तुके को भेज देना मरोल। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी बच गया ना तुम्हारी माँ क्या कर डालूंगा। चलो चलो जल्दी निकलो फटाफट, चलो अभी मैं जाऊं या फिर। अरे जाना अभी, कल सुबह के पैसा लेके जाना, तो चल चलता हूँ। क्योंकि जब भी माँ चाहिए तो यहाँ से ले जाना। रोहित ये फ्रैक्चर
पिक्चर ना गया जब से पीटर चर्सी के गैंग से मिल गया ना, तब से बहुत फुदक रहा है साला। कोई तो भड़वा खबरी है हमारे बीच। क्या? ये दोनों मरोल में मरे, जायद और टोनी परेल में, और दोनों टाइम फ्रैक्चर गैंग वाले पहले से ही फील्डिंग लगा कर बैठे थे साले। कोई तो साला खबरी है। नमस्ते भाई साहब। अरे ज्योति कैसी हो? अच्छी हूँ। अचानक आना हुआ? घर में चिकन बना था ना तो ले आई। अच्छा, कैसे हो रोहित? हाँ फर्स्ट क्लास। गौरी है ना अंदर? वो खाना खा तो नहीं लिया ना? साथ बैठकर खाना खाते हैं ना? हाँ हाँ खाते हैं, तुम चलो मैं आता हूँ। अच्छा। क्या वो बॉक्सर? यही है वो कुत्ता साला। बहुत अच्छा बना था चिकन। थैंक यू। ये मेरी माँ की रेसिपी है। मुझे भी बताना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाभी जी जब भी खाने का दिल करे हुक्म करिएगा, हम बना के ले आएंगे। अच्छा तो मतलब आज से मैं खाना बनाना ही बंद कर दूँ। बॉक्सर मुझे फोन कर दिया। वो पराग बिल्डर वाले का फोन था, पूछ रहा था जू के जगह का तोड़ पानी का क्या हुआ? कल शाम को मिलूंगा उसको साइड पे। कौन सी? अरे यार वो वीरा डिसाइड रोड पर उसका प्रोजेक्ट चालू है ना, उधर चल। ठीक। वीरा डिसाइड रोड, एम्पायर स्टूडियो से आगे राइट में 20 माले की बिल्डिंग बन रही है ना, उधर ही नीचे। तो जितना पैसा दूंगा जाधव के तेरी तीन पुश्तें बैठ कर खाएंगी अगर ये खबर पक्की। खुद उसके मुंह से सुन के आ रहा हूं। और क्या चाहिए बाबू? जी भाई। चर्सी पीटर को फोन लगा। अच्छा तू जा। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे रोहित सुबह सुबह? हाँ कुछ काम था। बैठो बैठिए ना, अब ज्योति बाहर गई है, आती होगी, बैठो ना। क्या खबर है पेपर में? वही रोजमर्रा की पुरानी खबरें, और क्या हो सकती हैं। सोचते हुए कल कुछ नवा मिलेगा पढ़ने को पेपर में। रोहित बॉक्सर का अंधेरी में गैंग वॉर में खात्मा। रोहित तो तेरी बैठ भड़ुए बैठ। तू नहीं पड़ेगा, तू नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्चर गैंग वाले जरूर पड़ेंगे। मैं तुमसे फ्रैक्चर में फड़वा उनका खबरी पीछे गोलियां खा के मरा साला। ए बैठ, बैठ ना, बोलो ना बैठ, दे इधर, बोलो ना बैठ। बंडिया और तुकिया की खबर तूने दी ना भड़वे साला खबरी। सलाम भाई। सलाम भाई। क्या हुआ? क्यों मारा उसको? क्या? मैंने कहा क्यों मारा ज्योति के पति को? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जरूरी नहीं समझते? मेरी दोस्त थी वो, मेरी दोस्त थी, तुम्हें बताना पड़ेगा। सर पे चढ़ के बात नहीं करने का। मैं अपने धंधे में क्या करता हूँ कैसे करता हूँ ये पूछने की हिम्मत किसी के बाप में नहीं है, समझी तुम? सारी सवाल करती है। भाई मानती थी गौरी मुझे, बस शांति को लेकर आ गई मेरे घर। अरे क्या बात है गौरी, आज सुबह सुबह यहां का रास्ता कैसे भूल गई?
आजा मेरी जान, आजा आजा आजा, ये तो दुश्मन ही है मेरी, आजा आओ बैठो, बैठ आराम से बैठ। ये बैग? हाँ, मैं घर छोड़कर आई हूं। क्या? हाँ। मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। बाबूजी के घर इसलिए नहीं गई क्योंकि रोहित सबसे पहले वहीं पे जाएगा मुझे ढूंढने। अच्छा, ये सब वो ज्योति के पति के वजह से है ना? अरे गौरी, वजह थी उसको मारने की। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझसे कहते मैं समझाती उसे। अरे बात समझाने की थी नहीं, वो साला कुत्ता। तुम मुझे इतना बताओ कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ कि नहीं? अरे तेरा घर है गौरी, लेकिन रोहित तेरे बगैर नहीं रह सकता। देखना वो आ जाएगा तुम्हें यहाँ लेने। उसे पता चलेगा तब ना। मतलब? मैं बस दो तीन दिन यहाँ पे रहूंगी, फिर हाँ फिर ढूंढ लूंगी कोई पीजी अकोमोडेशन, लेकिन तब तक रोहित को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। गौरी, तुम्हें मेरी कसम। मगर गौरी, प्लीज मुन्ना, प्लीज। क्या हुआ? ए बॉक्सर, क्या बात है, बोलता क्यों नहीं? गौरी घर छोड़ के चली गई। क्या? पढ़ ले। कहाँ गई होगी? जाएगी कहाँ, गई होगी अपने बाप के घर। मुझे भी उसका फोन नहीं आया। अच्छा, किसी रिश्तेदार के घर तो नहीं गई होगी? मैंने तो सबको फोन करके पूछ लिया। तो फिर कहाँ गई होगी? कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया था ना? हाँ चाचा, थोड़ा सा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। तो अब कहाँ होगी गौरी? किसी दोस्त के घर पे नहीं है, रिश्तेदार के घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गई होगी। ये साला मुन्ना कहाँ है सुबह से? सुबह फोन आया था उसका, बुलाने में लेट होगा थोड़ा। लगा फोन। मुन्ना आया? गौरी जल्दी, रोहित का फोन है। हेलो मुन्ना, पक्या ले, रोहित से बात कर। अरे कहाँ है तू सुबह से यार, जल्दी आ इधर, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा यार। क्या हुआ? अरे गौरी घर छोड़ के चली गई यार। क्यों? अरे मचमच हो गई सुबह यार, तुझे फोन तो नहीं है? नहीं रोहित, फोन नहीं आया। तू कब आ रहा है? यार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बुखार है, उतर जाएगा तो आ जाऊंगा। ठीक है, तेरे को ठीक लगे तब आ जाना। ठीक है गौरी, मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे मुझे मुन्ना? घर खुला है, ये क्या पागलपन है? बता तुझे क्या प्रॉब्लम है? बताता हूँ, इंस्पेक्टर राजपाल यादव, भाईखला पुलिस स्टेशन। तो मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारे ज्योति का पति पीएसआई यादव इसकी पुलिस स्टेशन में था। फ्रैक्चर गैंग का खबरी था वो, देख गया टोनी जाहिद परेल में मरे उसकी खबर से, बंदिया और तुका मरोल में मरे उसी कुत्ते की वजह से। शुक्र करो कि रोहित उसके साथ में नहीं था, नहीं तो आज तुम विधवा हो जाती। कुत्ता साला हमारे ही घर में आके हमारे ही खाना खाके हमको ही लुढ़काने के चक्कर में था। अब देखी क्या है, चल बैग भर, घर चलते हैं। वो रोहित तुम्हारे बगैर पागल हो गया है और तुम भी यहां उसके बिना खुश नहीं हो। चलो। अरे चल ना बाबा, चल ना। अरे मैं तैयार होती हूँ, तू मेरे लिए मोगरे ले गया, ठीक है? मैं उसका चुँ, चुँ। भाई सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो, कहीं नहीं मिली। भाई इतने हट्टे कट्टे हो, दो दिन से एक औरत को नहीं ढूंढ पा रहे हो? भाई फुकड़े का खाना जानते हो सालो? मेरा मुंह क्या देख रहा है, ठोक दूंगा साले हटिया से। बॉक्सर, गौरी का पता चल गया। क्या, साथ में क्यों नहीं लाए तू? मुन्ना के पास है। मुन्ना के पास है ना, टेंशन खाला साला। कहां थी वो दो दिन से? वही थी मुन्ना के पास। क्या, यहां से गई थी मुन्ना के पास ही गई थी? क्या बात कर रहा है तू,
और मुन्ना ने मेरे को बताया नहीं। अब उनको भी नहीं बताया, वो कुत्ता ना भाई काला का इंस्पेक्टर यादव, वो गया था गौरी से मिलने, उसने अपन को फोन किया। ऐसा क्यों किया मुन्ना ने? तू भी ना बॉक्सर बहुत भोला है, तेरे पीठ पीछे भी नहीं तेरे सामने चला था ये सब, और ये भाई बहन का नाटक अपन को पहले से ही खटक रहा था, पहले दिन से, दो दिन था वो साला कुत्ता भाभी के साथ, तबीयत खराब। मरेगा नहीं साला, मैं अभी तेरे पास आने को निकलने वाला था, ऐसे क्या देखते हैं? अच्छा अच्छा, अभी दिन में ही टिकाना शुरू कर दिया, क्या हो गया तेरे को? मगर क्यों? मुन्ना 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 चिन्ना साली, गोल खिला रही थी तू इसके साथ? चला गोली, चला गोली, क्योंकि फिर से भी आज के बाद मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। भाई बहन के रिश्ते को गाली दी है तूने, मेरी माँ के पेट से सिर चलो ले लिया था इसने। मुन्ना मुझे माफ कर दे, मुन्ना मुझे माफ कर दे, जिंदगी में झूठ नहीं बोला था ना, बहन के लिए बोला क्या मिला? मैं तुझे कसम दी थी जानवर को मत बता मैं यहाँ। चला गोली, चला तू, चला गोली मुझ पे, वैसे भी तूने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, चला गोली, वो भी किसके साथ? पुलिस वाले को लेके आया था तुझे बेकसूर साबित करने के लिए। एक गोली। पास बताना मेरे, पास बताना, छूना मत मुझे, छूना मत मुझे, ये नाती है मुझे तुमसे, छूना मत, मार डालूंगी मैं अपने आप को, मार डालूंगी मैं अपने आप को, मुझे मेरे बच्चे की कसम है रोहित, आज के बाद मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। मेरी कहानी तो यही खत्म है, मगर रोहित क्या भूल पाता मुझे? रोहित, ए रोहित, कितना पिएगा यार? ए मुन्ना, ए किधर जा रहा है तू? हाँ, तेरे में आ जाओ, हाँ तेरे तू। अरे बॉक्सर, ए मुन्ना। ए मुन्ना। बॉक्सर? हाँ, मुन्ना नहीं। अरे अभी तो बात कर रहा था, देख मेरे साथ। ए मुन्ना। बॉक्सर? ए मुन्ना नहीं, ए मर गया मुन्ना। मर गया मुन्ना, मर गया। बचपन का दोस्त मुन्ना, उसने भाई था, भाई इधर इधर पेट में गोली गई, उसने हाथों में कोट था, दगा किया मेरे दोस्ती से, दगा किया पकिया, जैसे तूने किया साले। क्या बोला तू? क्या बोला तू? भाई बहन का रिश्ता नाटक था, सारे ठोक दूंगा तुझे पड़ रहे भाई, सारे ठोक दूंगा, चल। ये क्या? अरे हाथ, नहीं हाथ, चल मुझे, अरे हाथ।
अपने हाथों से बने ये खाना खाना रोडी, इन लंगूरों के बातों पर ध्यान मत दे खाना रोडी। सर मेरी जान बचाने के लिए गोली भी कहते ना तूने इधर इधर, हाँ जान भी बच गई मेरी किस लिए थे? मेरे हाथों से अपनी जान गंवाने के लिए ऐसे मत देख, ऐसे मत देख मुन्ना, तरस मत खा मुझ पर मुन्ना, ए ए मुन्ना, ए मुन्ना। क्या मुन्ना मुन्ना कर रहे भाई, मर गया साला, जला दिया कुत्ते को। क्या बोला तू, क्या बोला तू भाई, क्या बोला तू? मैंने बोला भाई जला दिया साले कुत्ते, तू साले कुत्ते। What's happening? ये गैंग वॉर के चक्कर में बेकसूर लोगों की जाने जा रही है। आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अपोजिशन पार्टीज ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया है। हर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन यही चिल्ला रही है कि अवर गवर्नमेंट इज इनकॉम्पिटेंट। मगर सर हम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स, अपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स वो अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं। वाइप आउट एवरी सिंगल ट्रेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वाइप आउट। सर कल आपके टेबल पर मेरे ऑर्डर्स होंगे और मुझे लिस्ट चाहिए उन लोगों की जो जो इस अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं। बात करनी थी तो घर आते, यहां क्यों बुलाया मेरे को? क्योंकि हमारी जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई थी, तुम्हारी, तुम्हारे बाप की और मेरी। तो ये फिलोसफी सुनाने के लिए मुझे यहां बुलाया? अरे वो क्या बोल रहा है पहले सुन तो लो रोहित। रोहित, अरे वाह, आज बॉक्सर भाई नहीं दादी। तू और तेरा बाप वैसे के वैसे हो दोनों, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो बात, मैंने थोड़ी बोला था मुझे यहां बुलाओ। देखो रोहित, मैं तुम्हें यहाँ एक सलाह देने आया हूँ। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे इस गैंग वॉर की वजह से बहुत सारे बेकसूर लोगों की जाने गई हैं। दो दिन पहले एक वर्ली में औरत भी मर गई तुम्हारे हाथों। सीएम का ऑर्डर निकला है वाइप आउट द अंडरवर्ल्ड, और तुम जानते हो एक बार ऑर्डर निकल गया तो डाल दो किधर भी, यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था, तुम्हें इतने से देखा है मैंने। देखो रोहित, अभी भी मौका है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक ठीक कह रहा है किशोर। अरे खाक ठीक कह रहा है, चाटना है ऐसी जिंदगी को, क्या दिया जिंदगी ने मुझे? साला जब से होश संभाला हूं तो ताने सुनते आ रहा हूं, एक गुंडे और रांड का बेटा, एक गुंडे और रांड का बेटा, बस सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी शुरू की थी मैंने। क्या हुआ? अरे तुम्हारे समाज ने वही लाकर फेंक दिया मुझे जब मेरा बाप था। मेरा बाप ठीक कहता था। क्या क्या कहता था वो दादी? वो ट्रेन, पटरी, ट्रैक। दादी जिसे मैंने प्यार किया उसके बाप ने उसकी शादी किसी दूसरे के साथ कर दी, फिर भी प्यार करता रहा, शादी भी की मैंने उसे, लेकिन अब बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला होता है, न मां न बाप न दादा न बीवी न बच्चा, यहां तक हर मुश्किल में जिसने मेरा साथ दिया मुन्ना, उसको तो मैंने क्या चाटने की ऐसी जिंदगी को। तुमको ऑर्डर मिला है ना डीसीपी साहब, तो ठोक दो, इधर ही ठोक दो मुझे। वैसे भी कोई नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की इच्छा है, कोई नहीं। एथ एंड लास्ट, और फिर भी जिंदा है। दादी दादी डॉक्टर आए। सी मिरेकल्स डू हैपन, और तुम कह रहे थे ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? अरे आप लोग सब कैसा है बच्चा मेरा? आप कौन है? मैं उसकी दादी हूँ। कैसा है वो तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद बच जाए। शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं?
उसे मिलने? नहीं, वो रिकवरी रूम में, आप वहां नहीं जा सकती। मिलना तो पड़ेगा। देखिए मैडम, आप सिस्टर इन्हें नीचे ले जाओ प्लीज। ए, क्या बोला रे? चुप, नालायक, मरेगा, उन्हें मरेगा, तेरे बच्चे की जान बचाई है उन्होंने। तुम जाओ बेटे, मैं सिर्फ उसे अंदर एक बार मिलकर आती हूँ। देखिए जैसे ही हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करेंगे आप जा सकती हैं। सिस्टर जैसे ही उन्हें शिफ्ट करो इन्हें मिलने दीजिए प्लीज। कम ऑन, आप जाइए। शुक्रिया। शांता, ये रघु नहीं है। देख कौन है, देख। अरे हाँ, कैसे भूल गई मैं? मैंने ही तो रघु को मारा था। हाँ, मैंने ही तो मारा था। हाँ। शांता बैठ, बैठ। क्या हुआ? दहशत, गुंडागर्दी खत्म हो गई? रघु गया तो पोते आया, फिर हसन, आज तू, रोहित, बॉक्सर भाई। न आश्चर्य हुआ न दुख तुझे यहां देखकर। ये तो होना ही था, होना ही था। आज शायद बच जाएगा तू, लेकिन कितने दिन? मरेगा तो भी दुख नहीं होगा। हाँ, एक बात का दुख है, तुझे यहां तक लाने वाले, तुझसे अपना हर गंदा काम कराने वाले, वो अब तक वही है, अपनी जगह। उन्होंने तो अब तक और एक रोहित को जन्म भी दिया होगा। तूने छोड़ना मत रोहित। ए रोहित, रो। देख, देख, पहली बार तेरे बाप ने दिखाई थी हमें। हे मां, इसे कहते हैं घोड़ा। घोड़ा इसे कहते हैं मैगजीन। मैगजीन को जहां डालते हैं ऐसे, इसे इसे कहते हैं। ट्रिगर, ट्रिगर पे उंगली रखी, तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया, खेल खलास। बंद कर रहे, आठ आठ गोली खाई सड़वे ने, फिर भी जिंदा है साला। ये हंसता क्या रे? अबे साले हंसू नहीं तो क्या करूँगा, फट गई ना तेरी, क्योंकि वो जिंदा है। अरे अपनी तो साली बाप के टाइम से दुश्मनी है, लेकिन तूने साला पीठ पीछे उसकी ऐसी ठासी है ना, तुझे तो मारे बगैर छोड़ेगा नहीं वो। क्यों पाटिल साहब? ठीक कह रहा है ना गया तू, उसका जिंदा रहना हम लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे तुमने तो उसको सर पे चढ़ा के रखा था, वरना कब का गेम बचा देता हूं। ये बहस का कोई फायदा नहीं है। है कोई फायदा? अब सोचना ये है कि करना क्या है उसका। भाई उसके बीवी और बच्चों को उठा लाते हैं, अपने आप चलाएगा साला। कितने साल से धंधे में थे? कितने साल से? अपनी दुश्मनी अपनी जगह है, घर वालों को बीच में लाने की बात मत कर, समझा तू? समझा? चूड़ियां नहीं पहनी है मैंने,
अपने अपने दम पर ठोकूंगा बॉक्सर को। अरे मगर कैसे? फुल फील्डिंग लगा दिए, जिस दिन डिस्चार्ज होगा ना ठोक डालूंगा बॉक्सर को। डिस्चार्ज तक रुकने में बेवकूफी है, उसको अस्पताल में ही ठोकना पड़ेगा। ये ना क्या, ए क्या बात करता रे? ए ठीक बोला ना क्या? बिल्कुल ठीक बोला। आईसीयू से निकाल के उसे कौन से वार्ड में रखा जाएगा ये मालूम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबको बोलिए। माँ जी, मरीज को होश आ गया है, आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। चलो 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 चलो। ए कुत्तो रुको, इधर ही, कहाँ जा रहे हो? शांति चलो। नहीं तू हो क्या? क्या देखता है, ठोक दूंगी इधर ही मैं। तीचा आइला। अरे यार चाची संभाल के। रोहित। हाँ माँ जी। रोहित लो मिल लो, 8 दिन से बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे तुम्हारी, और ज्यादा बात मत करना। रोहित, ए रोहित। क्या बात है दादी, आज बॉक्सर भाई नहीं बोलेगी? चुप, ज्यादा बात मत कर, मैं ले आऊंगी गौरी को। नहीं आएगी वो, और दादी तुम भी उसको कुछ मत कहना। यहां से निकलूंगा ना तो सीधा जाऊंगा उसके पास, माफी मांगने। उसका बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं दादी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। गाड़ी आगे लगा। Yes. Hey, what? रख, नहीं तो ट्रिगर दबाऊंगा ना, तू गोली सर से निकलेगी साले। रख नीचे। भाई 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 भाई, हाँ जिंदा हो, ये जो हाथ में लेके घूमते हो ना डाल दो अंदर, साले सोते रहते साले। कितने? दो। किधर? डॉक्टर के पास। मेरे रिश्ते में नहीं है ये, ठोक डाल इसको। लेकिन ये साला तेरा दोस्त है ना, तेरा दोस्त है ना, तेरा दोस्त है ना ये। पकिया। हाँ। फोन लगा साले को, बोल के काम हो गया। हाँ बोल। काम हो गया। क्या बोलता है? सामने पड़ा है। कल्टी मार वहां से। जी भाई। किधर है वो साला? मड आइलैंड बीच हाउस। मड आइलैंड बीच हाउस।
ए जमिया, बिग बॉक्सर धंधा था। कैसे? तेरी सुपारी मुझे नहीं देते तो किसी और को देते, क्या पता उसमें अपुन का भी गेम बच सकता था। मेरे पे भरोसा नहीं था। बात भरोसे की नहीं, फिर बहुत पैसा था, साथ में मुंबई पे कंट्रोल भी, तो उसके लिए मुझसे गद्दारी की। मेरी जगह तू होता तो क्या करता? तू ठीक बोलता है, यू राइट, एब्सोल्यूटली राइट। आज अगर तू मेरी जगह पे होता तो तू क्या करता? हाँ बॉक्सर, एक मौका दे। दुश्मन होता तो मौका देता, क्योंकि उसके पास वजह होती है, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है। चले पाटिल, अच्छा खेलता सक्सेना का लड़का, माँ आई थी इसकी, अच्छी है, करेंगे इसका कुछ। पाटिल साहब, राठौड़ इस बार रणजी जरूर खेलना चाहिए, आप जरा कुछ कीजिए, जरा जोर लगाइए। अगले महीने एमसीए का इलेक्शन है, जीत गया तो राठौड़ी क्या, ये सक्सेना का लड़का, तीन लड़के टीम में खिलवाऊंगा। मगर शेट्टी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, देखते हैं। वैसे कई मिनिस्टर्स का सपोर्ट मेरे साथ है, सब बड़े स्पॉन्सर्स मेरे साथ हैं, मैं हार गया तो वो पेप्सी वाले तो अपनी स्पॉन्सरशिप निकाल लेंगे। क्रिकेट छोड़कर हर बात की डिस्कशन तेरे यहाँ होती है पाटिल। बैठ, तो अच्छे प्लेयर्स कहाँ से मिलेगा? हाँ राइट, तेरी ये गंदी आदतें हैं, प्लेयर्स को भी लग गई है, बैट के पीछे लेबल किसका, शर्ट के ऊपर नाम किसका, सही है कि नहीं? तुम लोग टीवी पे देखते हो ना लाइव टेलीकास्ट, हाँ, शॉर्ट ओवर गुड लेंथ बॉल, साले जगह पे खेलते हैं ऐसे, अरे एज लगता है ना, हाँ एज लगना कि नहीं? हाँ, अरे मारो ना अंदर राइज, बैठ साले। ये देखो शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, छोड़ देते साले, वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट, अरे स्क्वायर कट कौन मारेगा मेरा बाप? बैठ साले, ताली बजा, ताली बजा। आजकल कोई हुक मारता है क्या? कोई हुक मारता है क्या आजकल? नहीं ना। अरे क्यों नहीं मारता है? अरे बॉल को देखो, बॉल ऐसे आ रहा है और रोहित देख, मेरे को छोड़ दे, तू बच जाएगा। मेरे बचने की फिक्र मत कर, लेकिन तेरे लिए एक खुशखबरी है, तू जहां जाने वाला है ना, वहां फ्रैक्चर नागे और पक्किया तेरा इंतजार कर रहे हैं साले। पढ़ो पढ़ो, ये हर न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ाए हैं प्रेस वालों ने। एक आदमी इज होल्डिंग द स्टेट टू रैंसम, आई वांट रोहित रघुनाथ शिवलकर 24 घंटों में जिंदा, या इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। हाय रोहित। मुझे नहीं पता। मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम सब जानते हो कहां छुपा है वो, जिस दिन पता लग गया ना तुम सबको अंदर कर दूंगा, सबको। ये तेरा जमाई है ना? जिस दिन से शादी हुई मेरा कुछ संबंध नहीं उससे। झूठ बोलता है साले, झूठ बोलता है, अंदर कर दूंगा सबको एक दिन, याद रखना। चाचा कौन? मैं प्रशांत। अरे अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगा के रखी है बाहर, तू जाए यहाँ से। भाई जानना चाहते हैं कि गौरी भाभी और बच्चे कहाँ हैं। भाई हाँ बोल। भाई वो गौरी भाभी कहाँ है उसका पता चल गया है। कहाँ है? मुलुंड में, राधा भाई चौल खोली नंबर 12। ठीक है। कहाँ जा रहे हो भाई? मुलुंड, गौरी से मिलने। मैं भी चलता हूँ। नहीं मैं अकेले जाऊंगा। Thank you.
आए हसताम तुम पुनः काफी नैव चित्ते कदाचन जीर्यते जीर्यतः केशा दरवाजा खोल प्लीज गौरी 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 दरवाजा खोल प्लीज गौरी गौरी दरवाजा खोल गौरी चले जाए यहां से रोहित मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती मैं इस लायक नहीं हूं गौरी मैं जानता हूं मैं सिर्फ तुम्हें और शांति से मिलने आया तुमसे माफी मांगने आया मैं जानता हूं गौरी मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें खो दिया है मैं भी जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी लेकिन एक बार आखिरी बार मेरी बात सुनो गौरी इतना बुरा नहीं था मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था लेकिन रघुनाथ नामदेव शिवलकर रघु भाई ये नाम मेरे नाम से कभी हटा नहीं गौरी शांति की उम्र का था मैं स्कूल में कोई मेरे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था सिर्फ एक मुन्ना मुन्ना को बुरा इंसान नहीं था गौरी मैं भी जीना चाहता था ढंग से लेकिन अभी वक्त कम है शांति के नाम से मेरा नाम हटा दो गौरी उसे लेकर यहां से कहीं दूर चली जाओ मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम का साया उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे वक्त आ गया गौरी मुझे गम नहीं है मुझे गौरी सिर्फ डर है कि ऊपर जाकर मां उन मुन्नों को क्या मुंह दिखाऊंगा जाओ गौरी शांति को लेके जाओ गौरी जाओ पीछे का दरवाजा है ना जाओ गौरी जाओ शांति की कसम पीछे मुड़कर मत देखना गौरी जाओ गौरी जाओ लास्ट वार्निंग दे रहा हूं रोहित मेरी बात मान लो अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो
अंगूरों की बातों पे इतना ध्यान मत दे। हाँ हाँ पढ़ ले, मालूम है बड़ा बारिस्टर बनने वाला है। अच्छा अच्छा, अभी दिन में टिकाना शुरू कर दिया। कल तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली। वेशा थी, वेशा है, और वेशा ही रहेगी, वेशा ही साल हम इस शहर में रहे, अब अचानक यहां से किसी अनजान शहर में जाना क्या ठीक रहेगा? हाँ दादी, शांति के भविष्य के लिए हमें यहां से जाना ही होगा। एक ऐसी जगह जहां पे रोहित का साया, रघु का साया इसे एक नेक जिंदगी जीने से रोक ना सके। हम कल ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। अरे कहीं देखा है तुमने, देखा है तुमने स्वतंत्र जीने वाले को? बंदी हैं सब नियति के, जो रुलाए हंसने वाले को। नियति हंसती रहती है जब मानव कहता है ये मैं हूं। नियति कहती है जो तुम हो वो हो तुम, जो चाहती मैं हूं। सम्राट रहा धृतराष्ट्र परंतु दृष्टि को अंधेर मिला। सेवक था वो संजय फिर भी दिव्य दृष्टि वरदान मिला। सत्यभाष था धर्मराज जो सत्य ही कहते समय अड़ा। पूर्ण पुरुष था अर्जुन जिसको नपुंसक बनना ही पड़ा। वास्तव सदा ही सत्य कहेगा, नियति के बल उसकी घड़ी। कर्म गति की भरनी